हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड टेंथ सीबीएसई का चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया पार्ट टू कुर्ग बाय लोकेश एब्रोल ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये हमें बताता है कुर्ग के बारे में जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का एंड इन फैक्ट हमें कुर्ग में रहने वाले लोगों के बारे में भी पता चलेगा कुर्ग आप कह सकते हो मायसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में आता है और जब आप उसको विजिट करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे धरती पे हेवन आ गया है इतना सुंदर है वो तो ये एक आ, हिली प्लेस है जहां पर ब्रेव men रहते हैं ब्यूटिफुल women है और बहुत सारे वाइल्ड क्रीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसका दूसरा नाम है कोडागू और आप लोग एक ट्रिप प्लान कर सकते हो कुर्ग जाने के लिए वहां पहुंच सकते हो बैंगलोर से मैंगलोर से मैसूर से ट्रेन के थ्रू रोड या फिर बाय एयर कुर्ग को बोला जाता है कि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का और यहाँ पर आपको एवर ग्रीन फॉरेस्ट हरियाली अलग अलग टाइप के स्पीशीज वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगी कॉफी प्लांटेशन यहाँ पर होती है और जब मॉनसून होते हैं इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स यहाँ पर मॉनसून के दौरान नहीं आते लेकिन अगर आप यहाँ पर प्लान करना चाहते हैं एक ट्रिप तो जो बेस्ट मंथ्स होते हैं जब वेदर परफेक्ट होता है वो है सितंबर टू मार्च बिल्कुल आइडियल है कुर्ग विजिट करने के लिए यहां की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है यहाँ के लोग पूरी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं आजाद जिंदगी जीते हैं और ये बोला जाता है कि ये जो लोग हैं या तो ये ग्रीक से रिलेटेड है या ये अरब से रिलेटेड है अलग अलग थ्योरी है तो अगर हम ग्रीक ओरिजिन की बात करें तो ये बोला जाता है कि अलेक्जेंडर के साथ एक टुकड़ा आर्मी का जो आया था वो वापस नहीं गए और वो कोर्स से होते हुए नीचे आकर सेटल कर गए इनका जो रिलीजन है इनके जो मैरिजेस है इनके जो ट्रेडिशन है वो काफी अलग है मेन स्ट्रीम हिंदू रिलीजन से तो जब ये यहाँ आके बैठ गए तो इन्होंने लोकल्स के साथ शादी भी कर ली तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनका कल्चर काफी अलग था अगर हम अरब लोगों की बात करें तो वो लोग एक कोपिया पहनते हैं जो एक लंबा सा ब्लैक कलर का कोट होता है और उसके बेल्ट पे कारीगरी की होती है एम्ब्रॉयडरी की होती है वो जो है वो यहाँ के कोडावूज पहनते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे अरब लोग या कुर्द लोग पहनते हैं कुफिया वो जो पहनते हैं उसे हम कुफिया बोलते हैं तो वो सेम टू सेम मैच करता है यहाँ के लोगों के साथ यहाँ के जो लोग हैं कुर्गी जिनको हम कोडावूज बोलते हैं वो जाने जाते हैं अपनी ब्रेवरी के लिए अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर आप उनके घर जाओगे तो वो आपको इतनी कहानियां सुनाएंगे ब्रेवरी के बारे में अपने इंसेस्टर्स की अपने बच्चों की और इनका एक सेक्शन एक रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में जिनको बहुत ऑनर किया गया है बहुत ब्रेवरी के अवार्ड्स दिए गए हैं यहाँ तक के हमारे जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा वो भी एक कुर्गी थे सिर्फ कुर्गी लोग हैं जिनको इंडिया में अलाउड है कि वो लाइसेंस के बिना आर्म्स कैरी कर सकते हैं कहने का मतलब वो गन कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस आप सोचिए मतलब इतना भरोसा किया जाता है इन लोगों के ऊपर जो हमारी मेन कावेरी रिवर है साउथ की वो भी अपना पानी यहाँ से ही कुर्क के फॉरेस्ट से ही लेती है यहाँ पर रिवर में आपको एक फ्रेश वॉटर फिश मिलती है जिसे हम महासीर बोलते हैं और यहाँ पर ये जो बर्ड्स होते हैं ये इस फिश को बहुत ज्यादा खाते हैं इनफैक्ट यहाँ पर आपको स्क्वेर मिलेंगी लंगूर मिलेंगे जो पानी में खेलते हैं खाए हुए फ्रूट्स पानी के अंदर फेंक देते हैं एलिफेंट्स होते हैं पानी में नहाते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पर बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जाती हैं जैसे राफ्टिंग पानी में की जाती है कनोइंग uh, की जाती है रेपलिंग की जाती है रॉक क्लाइंबिंग की जाती है माउंटेन बाइकिंग तक की जाती है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स वाइल्ड क्रीचर्स लोगों को जानने के बाद अगर हम यहाँ की सीनरी की बात करें कि देखने को क्या मिलता है तो कुर्क के आसपास इतने हैरान कर देने वाली चीजें हैं देखने को जैसे मैं बात करूं एक आइलैंड है वहां पर निशारगा धामा बिल्कुल ब्रह्मगिरी हिल से देखने को मिल जाता है आपको वो एक और आइलैंड है बायलाकूपे यहां पर हमें मॉन्ग्स देखने को मिलते हैं जो रेड ऑरेंज येलो कलर के कपड़े पहनते हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी है कुर्क के अंदर और उनका लाइफस्टाइल देखकर बहुत सारे विजिटर्स बहुत कुछ सीखते हैं उनको अच्छा लगता है देखना जो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स इस एरिया में आके सेटल हुए हैं ये ये बताता है कि इंडिया की डायवर्सिटी कितनी है और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया का हार्ट एंड सोल कि किसी को भी आजादी है कि वो कहीं भी जाकर सेटल हो सकता है तो ये थी आज की क्लास आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू बाय बाय